सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सी ब्रांड की टैबलेट ज्यादा अच्छी होती है, सैमसंग की या फिर आपकी लिनोवो की। दोनों ही ब्रांड्स की टैबलेट्स काफी मतलब वाइड वैरायटी है इनकी, काफी सारी टैबलेट्स आपको देखने को मिलती है, लेकिन कौन सी ज्यादा बेटर होती है तो इस वीडियो में उनका आंसर देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम सैमसंग की टैबलेट्स की, सैमसंग की जितनी भी टैबलेट्स है आपकी ऑलमोस्ट 25K के नीचे की, यानी कि 25,000 से नीचे जितनी भी टैबलेट्स आपको इस सेगमेंट में देखने को मिल जाती है, ऑलमोस्ट आपको हर टैबलेट के अंदर देखने को मिल जाता है TFT पैनल। डिस्प्ले में ये लोग TFT पैनल यूज करते हैं, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें लिनोवो से तो लिनोवो की सारी टैबलेट्स के अंदर आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा बेहतर होता है? तो दोस्तों मैं बोलूं इतना ज्यादा आपको डिफरेंस मेजर तो देखने को नहीं मिलेगा अगर आप साइड बाई साइड भी कंपेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो IPS पैनल होते हैं उसके अंदर आपको अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, ओवरऑल थोड़ा सा उसमें मतलब बेटर होता है मैं बोलूंगा IPS, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, इस टाइप से ये थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है कि आप लोग सैमसंग को इस लिए बाय नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर आपको ये पैनल देखने को मिल जाता है, लेकिन मेरा काम है यहां पर आपको बताना सच कि इन दोनों में क्या होता है। तो बेसिकली आपको यहां पर लिनोवो की टैबलेट्स की जो डिस्प्लेज होती है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू सैमसंग। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम प्रोसेसर की तरफ। तो सैमसंग की सारे जितनी भी टैबलेट्स आती है ऑलमोस्ट उनके अंदर या तो एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज होता है या फिर आपका स्नैपड्रैगन का, लेकिन दोस्तों जो हाल ही में टैबलेट लॉन्च हुई है इसने आपकी सैमसंग गैलेक्सी A7 उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 662 जो कि एक काफी बढ़िया प्रोसेसर है टैबलेट के हिसाब से। तो अगर हम इसको कंपेयर करें लिनोवो के साथ तो लिनोवो के सारी टैबलेट्स में या तो आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो P22T या फिर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों आपका स्नैपड्रैगन का 450 439 वगैरह जो कि बजट टैबलेट्स में, तो इस टाइप से ये दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो कौन सा ज्यादा बेटर है? तो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो सैमसंग की टैबलेट्स हमेशा आगे रहती है अगर उसको हम कंपेयर करें लिनोवो की टैबलेट्स से परफॉर्मेंस के मामले में। तो अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली टैबलेट चाहिए आपको 17-18 हज़ार में, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A7 के लिए जाना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपके लिए बेस्ट टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी A7, उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलती है, डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिलती है, ओवरऑल बढ़िया टैबलेट है। तो परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग की टैबलेट आगे होती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम कुछ और चीजों की तरफ, तो बैटरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी जो सैमसंग की टैबलेट्स में अलग अलग मतलब वैरायटी की एक तरह से है, फॉर एग्जांपल आपको 13,000 में जो देखने को मिलती है सैमसंग गैलेक्सी 10.1 तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6,000 mAh की बैटरी, बाकी तो ये बजट के हिसाब से है। तो लेकिन इन दोनों में इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस है क्या? डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको जो सैमसंग की टैबलेट्स हैं उनके अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो बैटरी साइज है लिनोवो टैब M10 को छोड़कर बाकी सारी टैबलेट्स में लिनोवो की टैबलेट्स में कमी आपको बैटरी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू सैमसंग, मतलब 1,000 mAh का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज में लाएंगे तो मे भी इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिलता है तो पावर कंज्यूम भी ज्यादा करता है, तो इसलिए बैटरी लाइफ में मैं समझता हूँ इतना ज्यादा मेजर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों बात करें हम पोर्ट्स की, तो सैमसंग की टैबलेट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं जो भी 10,000 से ऊपर की टैबलेट्स टाइप सी पोर्ट, वहीं आपको लिनोवो की टैबलेट्स में भी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों लिनोवो की कुछ टैबलेट्स हैं जिनके अंदर आपको माइक्रोवेव भी पोर्ट देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल लिनोवो टैब M10 हुआ, FSGL हुई, तो इसके अंदर आपको माइक्रोवेव भी पोर्ट देखने को मिलता है, बाकी तो सारी टैबलेट्स में आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाते हैं जो भी अपर रेंज की FSD+ वगैरह आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, तो इस टाइप से ये देखने को मिलता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम कैमरास की तरफ, तो दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स में आपको बढ़िया कैमरास देखने को मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग काफी सारे लोग टैबलेट जो खरीदते हैं मेनली उसके डिस्प्ले की वजह से खरीदते हैं, कैमरे के लिए तो यार कोई टैबलेट क्यों खरीदेगा, टैबलेट के इतने अच्छे अच्छे फोन आते हैं कैमरास के लिए तो वो खरीदिएगा, लेकिन जो वो कैमरास हैं तो दोनों के अंदर आपको सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, तो कैमरास तो मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं बनता है एक टैबलेट को खरीदने का, लेकिन अगर फिर भी आपकी प्रायोरिटी है तो आप कोई भी चूज कर लीजिए, वैसे सैमसंग को चूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू लिनोवो, लेकिन लिनोवो के अंदर भी काफी बढ़िया कैमराज हैं, ऐसा कोई इशूज नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ, तो दोस्तों वो है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके साथ आप पूरे दिन इंटरेक्ट करते हैं कि उसके अंदर आपको कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सैमसंग की टैबलेट्स में आपको देखने को मिलता है One UI जो कि सैमसंग की एक कस्टम स्किन है एंड्रॉइड के ऊपर, दोस्तों उसके अंदर आपको कस्टम्स ऑफ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफी सारे फीचर हैं अलग अलग टाइप के। अब वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें लिनोवो के साथ तो लिनोवो की टैबलेट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्ट्रोक एंड्रॉइड, तो दोस्तों बेहतर हमेशा स्ट्रोक एंड्रॉइड होता है चाहे कोई भी UI हो, चाहे वो कोई भी UI हो, फॉर एग्जाम्पल MIUI हो, सैमसंग की One UI हो, तो लेकिन जो देखा जाए तो ओवरऑल जो बेटर होता है मेरे हिसाब से स्ट्रोक एंड्रॉइड होता है, क्योंकि स्ट्रोक एंड्रॉइड का मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ, अगर आपकी टैबलेट में स्ट्रोक एंड्रॉइड है तो दोस्तों उसके लैग करने के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर
प्रोसेसर वीक भी है, तो साथ में उसके अंदर आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा उसके अंदर आपको जब आप नई टैबलेट रिसीव करेंगे तो उसके अंदर आपको काफी कम मिनिमल एप्स देखने को मिलेंगे, काफी मिनिमल सा डिजाइन होता है उसके अंदर, एक्स्ट्रा ब्लोट बेयर जो फालतू के एप्स वगैरह है वो लोग इंस्टॉल करके नहीं दे सकते हैं, बाकी जो सेटिंग्स वगैरह होती है वो भी काफी मिनिमल होती है, तो ओवरऑल एक मिनिमल डिजाइन देखने को मिलता है, क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जो स्ट्रोक एंड्रॉइड में। भाई अगर हम इसको कंपेयर करें बन यूआई के साथ, तो बन यूआई के अंदर दोस्तों यार फीचर्स तो ज्यादा मिलते हैं लेकिन वो एक हैवी स्किन हो जाती है, वो अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो स्ट्रोक एंड्रॉइड काफी ज्यादा बेटर होता है कंपेयर करें अगर हम इसको किसी और यूआई से, तो इस टाइप से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, तो आज जो भी न्यू टैबलेट्स अब लिनोवो की आई है उनके अंदर भी आपको जो सारे टैबलेट्स में एक तरह से मेटल बिल्ड देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ एक दो टैबलेट्स हैं जिनके अंदर आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। वहीं हम अगर इसको कंपेयर करें सैमसंग के हिसाब से, सैमसंग की भी सारी टैबलेट्स में आपको मेटल वाली फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, तो दोनों ही टैबलेट्स मैं बोलूंगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में बढ़िया है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, तो इस टाइप से देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आपको कौन सी टैबलेट कंसिडर करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका बजट 15,000 से नीचे का है, 13,000 का है, 14,000 का है, तो आप जो लिनोवो की टैबलेट्स आती हैं, लिनोवो 10FSD+ या रेल वगैरह, ये सब कंसिडर कर सकते हैं, ये मतलब बढ़िया स्पेसिफिकेशन आपको ऑफर करती हैं 15,000 से नीचे की प्राइस रेंज सेगमेंट में। अगर दोस्तों आपका बजट 15,000 से ऊपर का है तो आप बिना सोचे सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 खरीद सकते हैं 15,000 से 20,000 के बीच में, वो काफ़ी बढ़िया आपको टैबलेट देखने को मिल जाती है उसके अंदर, मतलब अभी तक तो कोई कंपैरिजन की उसकी टैबलेट है नहीं मैं बोलूँगा मार्केट में जो भी टैबलेट्स उपलब्ध हैं, तो आप सैमसंग की टैबलेट खरीद सकते हैं। उससे ऊपर भी अगर आप जाएँ तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही होगा कि आप सैमसंग की टैबलेट खरीदें, काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपका बजट 15,000 से नीचे का है तो लिनोवो की खरीद लीजिए, बड़ा सिंपल है, तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो भी आप सैमसंग की कंसिडर कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल जाती है, तो इस टाइप से देखने को मिल जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी, अगर यूजफुल आपको ये लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।